गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट एनिमल्स ईट, मींस एनिमल्स क्या खाते हैं। चैप्टर 3, दिस इज योर न्यू चैप्टर। आई लर्न अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, हाउ डू एनिमल्स ईट, फूड चेन। लेट्स गेट स्टार्टेड। Write the name of the favorite food item of each animal so below. Monkey, cat, rabbit, squirrel means गिलहरी। आपको यहाँ पे इनके फेवरेट फूड बताने हैं। इट्स योर होमवर्क। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द animals so that they can move around and do various activities. Let us learn more about the eating habits of animals. Animals को भी food की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। Food जो है, जो भोजन होता है, वो animals को भी energy provide करवाता है। तब energy दे सकता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं और विभिन्न तरह की एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ जानेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। जैसे हम लोग को फूड की नीड होती है, वैसे एनिमल्स को भी फूड की नीड होती है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द फूड आइटम्स डैट एनिमल्स ईट रेगुलरली आर कॉल्ड देयर ईटिंग हैबिट्स। बेस्ड ऑन द ईटिंग habits of animals, they can be broadly divided into 5 main groups: herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के फूड को खाते हैं और उनके जो फूड आइटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो उनकी खाने की हैबिट्स होती है, जो खाते हैं, उसी को ईटिंग हैबिट्स बोलते हैं। अब उनका जो है, जो मेनली 5 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो फूड को 5 टाइप्स के खाते हैं, जैसे हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी जानवर, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जानवर, ओमनिवोरस सर्वाहारी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवोरस बोलते हैं, स्कैवेंजर्स मीन्स अपमार्जक मीन्स जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स मीन्स क्या होता है, अपघटक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो स्क्वेंजर्स से बचते हैं उसको जो खाते हैं उसको बोलते हैं। मीन्स 5 टाइप्स के डिवाइड एनिमल्स जो है 5 टाइप में डिवाइड हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। फर्स्ट है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी पौधे जो साग सब्जियाँ खाते हैं। Animals that eat only plants, grass, fruits and vegetables are known as plant-eating animals or herbivorous. Deer, goat, giraffe, buffalo and horse are examples of herbivorous. जैसे कि आपका हिरन, बकरी, जिराफ, भैंस, गाय, घोड़ा, ये सब जो है सिर्फ साग सब्जी पे ही खाते हैं, मतलब प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए इनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स मतलब प्लांट खाने वाले जानवर या हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर कहते हैं। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जानवर जो मांस मछली खाते हैं। एनिमल्स डैट ईट द फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। क्रोकोडाइल्स, टाइगर, लायन एंड वुल्फ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। एनिमल्स दैट आर हंटेड एज द फूड फॉर कार्निवोरस आर कॉल्ड प्रे। एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेक्टर्स। इट मीन्स जो दूसरे जानवर को मार के उनके मांस को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मांस खाने वाले जानवर, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, या बोलते हैं मांसाहारी जानवर। जैसे कि क्रोकोडाइल आपका हो गया, टाइगर, वुल्फ मींस होता है भेड़िया, ये सब दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं।
नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स क्या होता है? सर्वाहारी। एनिमल्स डैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोरस। बियर, क्रो एंड डॉग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस। कुछ जानवर जो प्लांट्स, पौधों को और दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं, मीन्स सर्वाहारी। जैसे कि भालू आपका हो गया क्रो, क्रो मीन्स कौवा, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, और आपका जो है जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि इंसान, जो कुछ मैन, वोमेन, गर्ल्स, बॉयज़ भी क्या करते हैं, मांस मछली को भी खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, मीट, और प्लांट्स, साग सब्जी, फ्रूट्स, ये सब भी खाते हैं। इट मीन्स ह्यूमन इज़ अ, सम ह्यूमंस इज़ अ ओमनीवोरस। कुछ इंसान भी क्या होते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं, क्योंकि दोनों खाते हैं। स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स मीन्स क्या होता है? अपमार्जक। एनिमल्स डैट ईट द फ्लैश ऑफ डेथ एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। हाइना एंड वल्चर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वेंजर्स। कुछ जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं, स्क्वेंजर्स बोलते हैं। इट मीन्स पहले तो आपका हार्बिवोरस हो गया, वो प्लांट्स को खाने वाले जानवर, उसके बाद कॉर्नीवोरस जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। अब दूसरे जानवरों को जो मार के खाते हैं उनसे पूरा तो नहीं खा जाते, जो बच्चे कुछ जितना उनको भूख होता है उतना खा, उसके बाद उनकी हड्डियाँ, उनके कुछ मांस को छोड़ देते हैं। जो छोड़े हुए मांस होते हैं उसको, वो मर चुके होते हैं, तो उनको ही जो है स्क्वेंजर्स खाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो डेथ एनिमल्स को खाते हैं स्क्वेंजर्स। जैसे कि आपने कभी देखा होगा रोड वगैरह पे कभी डॉग वगैरह या कोई एनिमल है मरा पड़ा हुआ है, तो देखते होंगे उस पर गिद्ध जो वल्चर होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, उसको खाने लगते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि अगर ये ना रहें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, अरे क्या बोलते हैं उसको, गंदगी फैल जाएगी, बदबू आने लगेगी, इसलिए इसको, इसका भी होना बहुत ही ज़रूरी है। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मीन्स क्या होता है? अपघटक। ऑर्गेनिजम्स डैट हेल्प इन डिक्लिंग और डिकम्पोजिंग द रिमेन्स ऑफ डेथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वल्चर्स भी सारे चीज़ों को तो नहीं ख़त्म कर सकता, तो जो ये इससे बचाते हैं उसको जो है, जैसे प्लांट्स, सड़े गड़े प्लांट्स को कौन अपघटक करता है? डिकम्पोजर्स। जैसे कि फंजाई आपका हो गया, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको खा के पूरी तरीके से साफ कर देते हैं इन्वायरमेंट को। ओके, आपका मशरूम्स अ टाइप ऑफ फंगस। रिवाइज एंड रिकॉल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। डियर इज अ हार्बिवोरस। डियर जो है, डियर मीन्स हिरन, हिरन क्या है? शाकाहारी है। यस, दिस इज ट्रू। काउ, काउ इज अ स्क्वेंजर्स। काउ इज अ हार्बिवोरस एनिमल। काउ क्या है? शाकाहारी जानवर है, इसलिए स्क्वेंजर्स नहीं, इट इज फॉल्स। क्रोकोडाइल ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। दिस इज ट्रू। क्रोकोडाइल दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। डॉग इज एन ओमनीवोरस। दिस इज ट्रू। डॉग क्या करता है, वो हड्डियों को भी खाता है और मिल्क भी ड्रिंक करता है, रोटी भी खाता है। इट मीन्स दिस इज ट्रू। हाउ डू एनिमल्स ईट। अब जो जानवर होते हैं वो कैसे खाते हैं? वी नो डैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। जो अलग अलग जानवर होते हैं उनकी खाने की हैबिट्स भी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से खाते हैं और वो दूसरे जानवर पर डिपेंड, कुछ जानवर ऐसे होते हैं दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं फूड को खाने के लिए। च्युइंग द कड। च्युइंग मीन्स होता है चर्णक, मतलब चबा के खाने वाले जानवर, जो भोजन को बहुत चबा चबा के खाते हैं। से हार्बिवोरस सच एज काउ, डियर, बुफेलो एंड शिप फर्स्ट च्यू देयर फूड वंस एंड सोलो इट, लेटर दे
bring it back to their mouth and chew it for hours. This is referred to as chewing the cud. These animals have strong and bold teeth, biting teeth in the front to bite off leaves and grass. They also have strong front and bold chewing teeth, grinding teeth at the back, which helps them to chew the food well. ऐसे जानवर जो भोजन को चबा के खाते हैं उनको chewing the cud means herbivorous animals जितने भी होते हैं उनके आगे के teeth क्या होते हैं, भोजन को बहुत ही किसी भी चीज़ को पहले खूब चबाते हैं, उसके बाद उसको swallow में होता है लील जाते हैं और उनके स्टमक माउथ में जो है बहुत देर तक क्या होता है चबाते रहते हैं, देखते होंगे आप लोग। और उनके जो सामने के जो फ्रंट टीथ होते हैं, दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड बोर्ड टीथ, बोर्ड मीन्स होता है बड़ा जो टीथ होता है वो भोजन को कुतरने का, बाइटिंग ऑफ लीव्स एंड ग्रास, उसको घास को और पत्तियों को कुतरने का काम करता है और उसको उसके बाद क्या करते हैं वो लोग भोजन को चबा जाते हैं फिर नील जाते हैं। Cows do not have upper front teeth. The upper jaw is covered with a thick layer of hard skin referred to as dental pad. अब देखिए काऊ का जो है ये डेंटल पैड है, ये फ्रंट टीथ नहीं होता है, वो भोजन को इसी से लीलने का वर्क करते हैं। कड मीन्स क्या होता है, द पार्टिकली जूट एंड सॉलिड फूड, मतलब भोजन को कुतरना उसके बाद उसको लील ले जाना। नॉन टू कीप बाइटिंग सम थिंग रिपीटेडली और च्यू इट हार्ड, नो मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कुतरना, कुतर के खाना। नोइंग द फूड मीन्स क्या होता है, भोजन को कुतरने वाले जानवर जो होते हैं उनको बोलते हैं, कुछ जानवर क्या होते हैं भोजन को कुतर कुतर के खाते हैं, मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करके। एनिमल्स सच एज स्क्वायरल रैबिट एंड रैट हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ इन द लोअर एंड अपर जॉ, जॉस मीन्स होता है क्या जबड़ा। दीज टीथ हेल्प देम टू नो सीड्स फ्रूट्स ग्रेन्स एंड नट्स, कुछ जानवर जैसे कि स्क्वायरल मीन्स क्या होता है गिलहरी, रैबिट मीन्स खरगोश, रैट चूहा, ये सब क्या करते हैं, इन लोगों के टीथ बहुत ही शार्प मीन्स बहुत तेज होते हैं और वो लोग का जो ऊपर नीचे का जबड़ा होता है उससे भोजन को ये क्या करते हैं कुतर कुतर के खा जाते हैं, जैसे कि क्या क्या सीड्स मीन्स बीज, फ्रूट्स मीन्स फल, ग्रेन्स मीन्स अनाज और नट्स, ये सबको भोजन को कुतर कुतर के ये बहुत तेज़ खाते हैं, इनके दांत बहुत ही शार्प तेज होते हैं। टेयरिंग द फ्लैश, टेयरिंग मीन्स होता है नोचना, जो मांस को नोच नोच के खाते हैं, जैसे कि कार्निवोरस सच एज टाइगर लायन एंड वुल्फ हैव पॉइंटेड शार्प लॉन्ग एंड कवर्ड फ्रंट टीथ टेयरिंग टीथ टू टियर द फ्लैश, दे च्यू द फ्लैश एंड बोन्स विथ देयर बोट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जॉस, इनका जबड़ा होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जैसे कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी जानवर, उनके वो क्या करते हैं जानवरों को जैसे कि टाइगर है, शेर है, भेड़िया है, इन सबके दांत बहुत ही शार्प बहुत तेज लंबे बड़े होते हैं जो कि मांस को चबा चबा के मीन्स नोच नोच के खाते हैं, हड्डियां हो गई उसके दांत को क्या करते हैं ग्राइंड मीन्स उसको उसे अपने दांतों से पीस के उसके बाद वो खा जाते हैं अपने माउथ में, और उनका जो जबड़ा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। शकिंग द फूड, शकिंग मीन्स क्या होता है चूसना, इंसेक्ट्स फूड को चूसने वाले इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होता है कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब टेस्ट टू देयर माउथ, दे शक नेटर इन टू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग दिस ट्यूब, मॉस्किटोज हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स विथ विच दे
suck the blood of animals and humans. कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज में तितलियाँ और भी बहुत से जैसे मॉस्किटो हो गया आपका मच्छर, ये क्या करता है इन लोगों के अंदर क्या होता है, एक ऐसे जो निकला रहता है एंटीना टाइप का, ये भोजन को शक करने का मतलब उसको ब्लड को चूसते हैं। जैसे कि उसको पहले बॉडी में जो मच्छर हमारे बैठता है तो पहले इसका जो आगे का ये नेटर होता है वो हम लोग के अंदर ऐसे ही घुसाता है, उसके बाद उसी से ब्लड को शक करता है मीन्स चूसता है, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। देखिए अ बटरफ्लाई शकिंग नेटर, अ मॉस्किटो शकिंग ब्लड, सॉलोइंग फूड एज होल। सॉलोइंग मीन्स होता है निगलना, जो फूड को डायरेक्ट पूरा निगल जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज स्नैक लिजर्ड एंड फ्रॉग डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ, दे सॉलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग इट। लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स हैव अ लॉन्ग स्टिकली टंग, अ लिजर्ड और फ्रॉग शूट्स आउट इट्स टंग टू कैच इंसेक्ट्स, वंस द इंसेक्ट गेट्स स्टक इन टू इट्स टंग इट रोल्स द टंग बैक इन टू इट्स माउथ। अ फ्रॉग कैचिंग एन इंसेक्ट, अ स्नैक सॉलोइंग इट्स फूड। देखिए कुछ एनिमल्स जैसे कि सांप, छिपकली और मेंढक, इन लोगों के अंदर तिथ नहीं होते, दांत नहीं होते चबाने के लिए, ये किस अपने भोजन को डायरेक्ट निगल जाते हैं, मीन्स इनके अंदर बहुत ही लंबी जीभ होती है जो स्टिकली टंग मीन्स होता है चिपचिप, इनकी जीभ में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपने फूड को बहुत ही तेज पकड़ के और डायरेक्ट उन लोग निकल जाते हैं। देख रहे हैं आप इतनी कितनी लंबी इनकी जीभ है, डायरेक्ट जो है क्या करते हैं पकड़े और निकल गया। लैपिंग अप वाटर और मिल्क, लैपिंग मीन्स होता है चाटना। एनिमल्स सच एज कैट एंड डॉग यूज देयर टंग टू लैप अप वाटर और मिल्क। कुछ जानवर जैसे कि बिल्ली कुत्ता, ये लोग अपने टंग से वाटर को लैप करते हैं मीन्स चाटते हुए ड्रिंक कर जाते हैं। अदर ईटिंग एंड हैबिट्स, कुछ अलग जानवर कैसे खाते हैं। एलिफेंट्स हैव अ ह्यूज लॉन्ग ट्रंक, इट हेल्प्स देम टू टियर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू ड्रिंक वाटर, इट इज ऑल्सो यूज टू हैव सार एंड टू लिफ्ट लॉग्स ऑफ वुड। कुछ जानवर जैसे कि आपका ये हाथी क्या है, बहुत ही बड़ा होता है, इसकी ये सूंड होती है ट्रंक, ये किस में हेल्प करती है, ब्रांचेस की पत्तियों को, पेड़ की पत्तियों को, ब्रांचेस शाखाओं और पत्तियों को खाने में और वाटर ड्रिंक करने में, और इसी से ये लोग क्या करते हैं पेड़ों की लकड़ियों को भी इसका सावर की तरह यूज़ करते हैं। मीन्स एलिफेंट कई अपनी ट्रंक का यूज़ नहाने के लिए भी करता है और ब्रांचेस उसकी पत्तियों को पेड़ की खाने का भी वर्क करता है। अर्थ वॉर्म्स सॉलो द सॉइल टू ईट द रिमेन्स ऑफ डेथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन इट। लीचेस स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू सक ब्लड, दे हैव अ सर्कुलर माउथ विथ टूथ्ड जॉस विच हेल्प इन स्टिकली इन ऑन टू द स्किन ऑफ द प्रे। द अर्थवॉर्म सॉलोइंग सॉलोइंग सॉइल, जैसे अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है केचुआ, ये मिट्टी की जो डेथ प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको फिर से रिसाइकिल करके सही करते हैं। और लीचेस मीन्स क्या होता है जोक, जो क्या होता है बॉडी में मतलब घुस के उसका ह्यूमन हो इंसान हो या एनिमल हो उसका खून को जो है चूसते हैं। रिवाइज एंड रिकॉल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ रैट यूजेस इट्स टीथ टू नो फूड, दिस इज ट्रू।
जो रैट होता है वो भोजन कुतर उनके जो दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं और कुतर कुतर के वो खाते हैं। लॉयंस हैव लॉन्ग शार्प एंड कवर्ड टीथ टू टियर द फ्लैश, दिस इज ट्रू। अ कैट सॉलोज द होल फूड विदाउट बाइटिंग एंड चुइंग, फॉल्स। एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक ओनली फॉर ईटिंग, फॉल्स। फूड चैन मीन्स खाद्य श्रृंखला। अ फूड चैन इज द चैन फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन दीज एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। अ फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्लांट्स एट द लोवेस्ट लेवल, हेंस ऑल एनिमल्स whether herbivorous or carnivorous depend directly or indirectly on plants. For examples, a grasshopper eats grass, a frog eats the grasshopper and the snake eats the frog. Food shrankla means kya hota hai, food chain means hota hai khad shrankla, जो एक से दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपका घास है, घास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, टिड्डा, टिड्डे को किसने खाया, फ्रॉग ने, और फ्रॉग को किसने खाया, स्नैक ने। अगर इनमें से कोई एक मिस हो जाए तो उसकी संख्या दूसरे की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अगर फ्रॉग ना रहे तो टिड्डे को कौन खाए, टिड्डे की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही जंगलों में भी अगर छोटे जानवरों को बड़े जानवर ना खाएं तो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हम जो हमारा ये फूड चैन है वो ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उसकी। जिसकी संख्या बढ़ जाएगी वो क्या होगा, अगर चूहों की संख्या बढ़ गई तो बहुत सारे अनाज बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एक सीक्वेंस जो है, फूड चैन जो है एक सीक्वेंस में चलता रहता है। मतलब ग्रास को किसी ने खाया, फिर ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फिर फ्रॉग को स्नैक ने, फिर स्नैक को किसी ने खाया। तो ये किसी ना किसी पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं। व्हाट एनिमल्स ईट, दिस इज योर वर्ल्ड मीनिंग लेसन 3। वर्ल्ड एसेंट मीनिंग, हार्बियोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी। देखिए तीनों की स्पेलिंग लर्न करना बहुत इजी है, एच ई आर बी सी ए आर एन ओ एम एन, इतना अगर हम हाइट कर दें तो आई ओ आई वी ओ आर ई एस, सारी स्पेलिंग में है तीनों में, तो आपको लर्न करना बहुत इजी है। हार्बियोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ओके। स्क्वेंजर्स मीन्स होता है अपमार्जक, डिकम्पोजर अपघटक, फूड चैन खाद्य श्रृंखला, च्युइंग चोर्णक, कैच पकड़, नो कुतरना, टियरिंग नोज डालना, शकिंग चूसना, एंड सोलोइंग निगलना। आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, और इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीडिंग करना है और वर्ड मीनिंग को राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व एक्सरसाइज and repeat this chapter, okay?